राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन के कारण फंसे स्टूडेंट्स को लेकर एक और जहां बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है, वहीं अब कोटा में बिहार के स्टूडेंट्स ने घर वापसी के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स ने सीएम नीतीश कुमार से घर जाने के लिए बसें भेजने की अपील की है। स्टूडेंट्स ने कहा कि दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स यहां से अपने घर जा चुके हैं, ऐसे में हमें भी यहां से ले जाने की व्यवस्था की जाए। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था कि कोटा से स्टूडेंट्स को वापस लाना फिलहाल संभव नहीं है। नीतीश कुमार ने राज्यों की ओर से छात्रों को वापस लाने को लॉकडाउन का उल्लंघन बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे कदम उठाए जाने लगे तो लॉकडाउन का मतलब नहीं रहेगा। बता दें, करीब 40,000 स्टूडेंट्स लॉकडाउन के कारण कोटा में फंसे हुए हैं। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और दादर नागर हवेली ने अपने राज्यों के स्टूडेंट्स को वापस बुला लिया, लेकिन बिहार सरकार की ओर से राज्यों के स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। न्यूज डेस्क।